मुख्यमंत्री के वोट की कीमत के बराबर नहीं है। यहाँ दिल्ली के लोगों के बारे में फैसले लेने का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को नहीं है, बल्कि केंद्र के द्वारा जो लाट साहब बैठाए हुए हैं उनके माध्यम से केंद्र की सरकार दिल्ली पर राज करने का काम कर रही है, जो दिल्ली के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। और दूसरी बात, जो अधिकार दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार का पहले से है, एलजी के पास है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, लैंड, मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली के अंदर अगर सारे चौराहे कब्जे हो रहे हैं, मंदिर मस्जिद बनते जा रहे हैं पार्कों में चौराहों पे, दिल्ली के सारे फुटपाथ कब्जे हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर जगह जगह कॉलोनी में सट्टा चल रहा है, दिल्ली के अंदर जुआ चल रहा है, दिल्ली की गली गलियों में नशा बिक रहा है, दिल्ली के युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है, युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो जो पहले से विभाग एलजी के पास है, केंद्र सरकार के पास है, पुलिस एलजी के पास है, केंद्र सरकार के पास है, तो क्या दिल्ली के एलजी लाट साहब और केंद्र के गृह मंत्री इस जिम्मेदारी को लेंगे कि दिल्ली के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बदतर हो गई है, दिल्ली के अंदर जो सारे सड़कों पर कब्जे होते जा रहे हैं, दिल्ली के अंदर जो नशा और जुआ हो रहा है, क्या दिल्ली के अंदर इस बढ़ती हुई अव्यवस्था के को ध्यान में रखते हुए केंद्र के हमारे गृह मंत्री जी या एलजी साहब इस्तीफा देंगे, क्या अपने फेलियर को स्वीकार करेंगे? मंत्री जी, अभी एलजी की तरफ से एक वो निर्णय आया था कि पूरी सरकार के अंदर राजेंद्र पाल गौतम का जो एक व्यक्तित्व है, एक नेतृत्व अच्छा है, और दोनों को मिनिस्टर बनाया था, और उसका आपको भूमि निभाने के लिए एलजी ने कहा था कि हम जो भी बात करेंगे राजेंद्र पाल गौतम से बात करेंगे, उसके बावजूद मुख्यमंत्री को धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ गई। नहीं, वो एलजी ने तय नहीं किया था, सरकार की तरफ से दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें ऑथराइज किया था कि आप अधिकारियों से बात करें। हमने अधिकारियों से बातचीत शुरू कर दी थी, बहुत सारे अधिकारी हमारी बात से सहमत थे, वो चाहते थे गतिरोध रुके, लेकिन आज मुख्य सचिव केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं, एलजी साहब केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं, या ये कह लीजिए कि मोदी जी दिल्ली की हार को पचा नहीं पा रहे हैं, और वो एलजी के माध्यम से हमारे सारे दिल्ली के आईएएस ऑफिसर्स के कंधे पर बंदूक रख के दिल्ली की जनता के और दिल्ली के जनता के चुनाव प्रतिनिधियों के सीने पर गोलियां चलाने का काम कर रहे हैं। सर, ऐसा तो नहीं है कि 2019 का जो चुनाव आ रहा है और आम आदमी पूरी फॉर्म में है और एलजी के ऊपर जो एक तलवार लटका दी गई है उसका कोई श्रेय तो नहीं जा रहा है? नहीं, आम देखिए, एक बात समझिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए समय समय पे बीजेपी हमेशा आवाज़ उठाती आई। बीजेपी के लगभग सारे घोषणा पत्र दिल्ली के चुनाव के आप देख लीजिए, उसके अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था जब हम पूर्ण बहुमत से सरकार में आएंगे केंद्र के अंदर तो हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। उनका 2014 के चुनाव का घोषणा पत्र केंद्र का भी देख लीजिए, बीजेपी का, उसमें भी उन्होंने वादा किया था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में कहा था हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। दिल्ली के कई बड़े नेताओं ने, कांग्रेस के और बीजेपी के भी बहुत सारे बड़े नेताओं ने संसद के अंदर भी और विधानसभाओं के अंदर भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात की, लेकिन आज क्या हो गया, जब दिल्ली के अंदर आम आदमी की सरकार बन गई है, आम आदमी पार्टी की 70 में से 67 सीट जीत के जो सरकार बनी, क्या इस हार को मोदी जी पचा नहीं पा रहे? क्या वो उस वादे को भूल गए जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने दिल्ली की जनता से किए थे? क्या वो अपने वादे से पलट गए हैं? वो आए और दिल्ली के जनता से के सामने मुंह से आंख से आंख मिला के कहें कि वो हार स्वीकार करते हैं और वो दिल्ली का पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है? वो अपनी बात से, अपने वादे से जो दिल्ली की जनता से किया तो सब पलट गए, उनको स्वीकार करना चाहिए।